समझ में हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, चलो ना सा सरन है और मैं हूँ, चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ, सलो ना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सुना सा सजन है और मैं हूँ। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और हमारे सारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मौका मिलता है कहीं पे भी श्रोताओं से, संगीत प्रेमियों से जुड़ने का, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा ही स्टेज है, तो अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ जुड़ के बातें करके। तो ये सवाल तो जैसे आपने बताया कि हर बार पूछा जाता है और ज़रूर मैं बताऊँगी। तो ऐसा है कि बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था, मेरी नानी जी और माँ दोनों गाते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे, उनसे ही मैं सीख सीख के बड़ी हुई हूँ और 3 साल उम्र से तबले के साथ गाने लगी थी। तो ऐसे बोल सकते कि उन्हीं के गोदी में बैठ के गाना सीखा। और हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से, तो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है रविंद्र संगीत, नजरुल गीति जो कि काजी नजरुल इस्लाम की लिखी हुई गीत, तो वो गाना सीखती थी। इसके अलावा श्यामा संगीत बोलते हैं जो काली माता की गाने होते हैं, वो सीखती थी। तो ऐसे ही सीखते सीखते घर में ही मतलब तालीम चल रहा था। और मेरी माँ सीखती थी गाना, नीता सेन करके एक नामी कंपोज़र थी कलकत्ता में, तो उनसे वो तालीम लेती थी, तो मैं उनके साथ चली जाती थी और घंटों घंटों वहाँ बैठ के सुनती थी कि बड़ों को क्या सिखाया जा रहा है। तो अगर घर के बाहर कहीं तालीम हुई हो तो मैं बताऊंगी, वही नीता जी के पास ही मैंने सीखा कि फाइनर नुआंसेस बचपन में ही, तभी मतलब वो कहते थे कि कितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट होता है भावना गानों में, इमोशंस, या कहाँ सांस छोड़ना कहाँ सांस लेना, ये सब वो सिखाते थे। और मुझे भी काफ़ी उन्होंने तभी ये सिखाया कैसे क्या गाना है। तो ऐसे ही मतलब तालीम हो रही थी। और तभी एक नामी जो बहुत प्रसिद्ध राइटर लिरिसिस्ट थे बंगाल के, गौरी प्रसन्न मजुमदार करके, हालांकि उनके गानों में लता जी ने बहुत उनके बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उनका जो स्मरण सभा होता था, स्मृति सभा जो कहते हैं, उसमें मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे गाना गाती थी। तो तभी बहुत सौभाग्य हुआ कि हेमंती शुक्ला जी, अनूप घोषाल जी, फिर रविंद्र जैन जी, उनके साथ मैंने एक मंच में गाया, हालांकि बहुत छोटी थी, लेकिन उनके साथ वो गाने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे मतलब गाया जाता है, कैसे मतलब ऐसा है, रविंद्र जैन जी एक बार उन्होंने हारमोनियम भी बजाया था जब मैं बैठ के गा रही थी। तो ऐसे ही संगीत की शुरुआत हुई जिंदगी में। बिल्कुल, मतलब ये हमारे फैमिली में तो ऐसा था कि पढ़ाई
आगे सुबह उठ के रियाज करना जैसा था ये योगा जैसा, कि सुबह उठ के आप साह लगाओ और ये करो, वो तो ठीक है, वो अपना योगा जैसा हो गया, लेकिन दिन भर की पढ़ाई में कोई भी मतलब चुप नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई में मतलब मार्क्स अच्छे आना बहुत बहुत जरूरी थे, लेकिन अच्छा आना ही है मार्क्स। और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब स्कूल टाइम तक तो बहुत गा लेती थी, मज़े में रियाज गाना ये सब चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ ना, तो बहुत मैंने साइंस लिया था, तो जेवियर्स में बहुत मुश्किल से एडमिशन तो मिलती कम है ना वहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस लिया, उसके साथ फिजिक्स और मैथ्स, तो लैब करके और फिजिक्स मैथ्स निपटा के उसके बाद गाने का मौका मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही कम आता था। और उसी वक्त मतलब ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में आप जब बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो कोई चीज़ में, उसी वक्त आपको ऐसा कोई मौका आता है जो आप नहीं ले पाते हो, तो बहुत ज़्यादा चुभता है। उसी वक्त मुझे ए आर रहमान साहब से एक मिलने का मौका मिला था, और ये मौका मिला था कि चेन्नई में मैं जाऊँ और ज्वाइन करूँ एज अ कोरस आर्टिस्ट या जो भी, वहीं शुरुआत शायद होती। ये मौका मिलने के बावजूद मजबूरियाँ हालात जो थे तभी साइंस लेके, तो बिल्कुल भी वो घर वालों को मनाना अकेले जाना जाके चेन्नई में ये तो नहीं हो पाया। आज तक मैं वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत कुछ लगता है कि क्यों नहीं गई, लेकिन ऐसे हालात थे। आई एम श्योर सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप ये तय नहीं कर पाते हो क्या करना, आप छोटे भी होते हो तो वो डिसीशंस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ाई ही चलती रही मतलब उसके बाद से, तो जो भी मैंने शोज किया वगैरह, लेकिन पढ़ाई साथ साथ इट वॉज ऑलवेज देयर, जैसे मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स वो भी साइंस में, उसके बाद MBA, तो सब कुछ एक के बाद एक चलता रहा, नौकरी तो ये कंटिन्यूअस चला। तो अच्छा सवाल था आपका ये कि कैसे बैलेंस। जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिलता था स्कूल में, ये तो है। एक बुजुर्ग टीचर थी जो हर बार इंडिपेंडेंस डे में जो गाने होते हैं फ्रीडम वाले गाने, इंडिपेंडेंस डे वाले गाने, उसमें एक गाना बंगाली सॉन्ग था जो जिसका नाम है एक बार विदाई दे माँ फिरे आशी, वो लता जी का गाया हुआ गाना है और ये खुदीराम बोस के ऊपर है। और ये गाना जो है बिल्कुल एक क्या बताऊँ आप, कहानी जैसा है कि आप सुनते रहो तो उनके लाइफ की कहानी बता रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी की कहानी, कि आज वो मरने वाले हैं लेकिन फिर भी उनमें जो जोश जुनून और देश के लिए कि हंस हंस के हम विदा लेंगे माँ आपसे, तो ये गाना मैंने गाया और उन्होंने मुझे बताया कि आज ही सुबह मैंने रेडियो पे लता जी की आवाज़ में सुना और फिर तुम्हारे आवाज़ में सुना, मुझे दोनों ही सुन के इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। तो ऐसे बहुत प्यार मिलता था गाने की वजह से स्कूल में कॉलेज में हर जगह, तो ये तो बिल्कुल है। लेकिन क्या है, हमारे देश में टैलेंट बहुत है और सब बाप माँ यही चाहते हैं कि आप गाने में अगर कुछ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाए जो होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारा किस्मत का भी खेल है ना, तो इसलिए माँ बाप सब चाहते हैं कि आप पढ़ाई भी करो, ताकि कुछ नहीं हो तो आप ज़रूर नौकरी करोगे, अच्छा ज़िंदगी में कुछ करोगे ना। बट ऐसा नहीं है कि संगीत दूर कर दे, इसलिए संगीत तो साथ रहता ही है, जैसे वेन्स में दौड़ता है, रग रग में दौड़ता है। वैसे बिल्कुल, सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता और बहुत वक्त बाकी है, कितना ही सीखा है, बहुत सारा सीखना बाकी है, तो ये तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि और सीखे, बहुत सारे टाइप के गाने सीखे, अपना जो शास्त्रीय संगीत है उसमें अपना और भी दखल आना चाहिए। तो वो बिल्कुल आपने जो पूछा तो बिल्कुल सवाल तो एकदम जायज है, बिकॉज अभी उम्र पड़ी हुई है तो सब सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि एक एक इट्स अ बिग कोइंसिडेंस कि अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, और यूं है कि अभी ही मैंने ये डिसीजन लिया है पिछले 1-2 महीने से कि मुझे म्यूजिक ही करना है। काफी साल से मैंने जॉब किया उसके साथ साथ म्यूजिक भी कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ये डिसीशन लिया और मैंने जॉब से ब्रेक लिया हुआ है कि मुझे म्यूजिक ही करना है, और उसी स्टेप में उसी डायरेक्शन में मैं चल पड़ी हूँ, और आप सबका आशीर्वाद और गुड विशेस मुझे चाहिए कि इसमें मैं कामयाब हो सकूँ। हाँ जी, तो आपका सवाल था कि कैसे ये डिसीशन पे आई मैं, तो यूँ हुआ कि पढ़ाई और उसके बाद नौकरी, उसके बाद मैं मुंबई आ गई,
मुंबई में नौकरी के सिलसिले में ही आई हालांकि। तो नौकरी करते करते तभी क्योंकि ये मुंबई है तो अपना जो है संगीत का रास्ता फिर से खुल गया। ऐसा लगा कि मुझे ऐसे बहुत से कलाकारों से मिलने का मौका मिला जो संगीत में ही फुल टाइम थे, और उनके साथ में गाने लगी। स्म्यूल नाम के एक ऐप है जहाँ पे और भी काफ़ी को सिंगर से मुलाकात हुई। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिकल कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने मुझे फीचर किया तो उसके वजह से और भी लोगों से मुलाकात और मुझे शोज़ मिलने लगे। तो मुंबई में काफ़ी सारे ऐसे वेन्यूज़ में जैसे दादर जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, माटुंगा क्लब, हाइव, ऐसे बहुत से जगहों में, फिर पलेटियम जहाँ पे सलीम सुलेमान साहब के साथ सामने गाने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे जगहों में गाते गाते क्या हो गया, वो संगीत जो है बहुत रेगुलरली फिर से ज़िंदगी में मतलब वापस आ गया, अपने रियाज के अलावा भी। तो जब आप शोज करो तो वो माइक हाथ में लेके अपने श्रोताओं के सामने, ऑडियंस के सामने, वो एक अलग ही थ्रिल है जो मैं काफ़ी सालों से खो चुकी थी क्योंकि नौकरी और इसी में आ गई थी। बट फिर से जब वो लाइफ में वापस आया तो बहुत अच्छा लगने लगा और मैं एकदम रेगुलरली उसे परस्यू करने लगी। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, कि बैलेंस भी हो रहा था काफ़ी, कि नौकरी एक तरफ और वीकेंड्स में शो, और लेकिन और उसके बाद हमारे सबके लाइफ में जो डूम आया वो था पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आते ही सब कुछ बंद हो गया, जिंदगी जैसे रुक सी गई और कुछ भी नहीं था। सडनली देर वॉज अ पॉज टू एवरीथिंग दैट वी ऑल डिड। वैसे ही एक रात बहुत डिप्रेस्ड होके एक गाने का लाइन मैंने गा के, मैं यूजुअली पुराने गाने बहुत गाती हूँ, मुझे उनमें बहुत ज़्यादा सोल महसूस होता है, अपने आप को ढूंढ पाती हूँ उसी गानों में। मैंने अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वो गाने के कुछ लाइंस मैं गा के मैंने ट्विटर पे पोस्ट करके सो गई थी। रात को 1:30 2 ऐसे कुछ कुछ तो बजे थे। तब तब के दिनों में बहुत इंसोम्निया में हो गया था वो, ऐसे बंद रह रह के। सुबह उठ के मैंने देखा कि कुछ 3,000 नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पे, मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर देखा वो गाना बिल्कुल वायरल हो चुका था। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ जैसे संगीतकार, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, शेफ्स, विकास खन्ना जी, ऐसे ऐसे बहुत लोग, मैं बिनाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो संगीत समझते हैं और संगीत प्रेमी हैं, सब ने उसको बहुत ही मतलब सराहा और प्यार दिया और एकदम वायरल हो गया। बहुत से पब्लिकेशंस ने फिर फीचर किया, NDTV, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, और ऐसे मैंने छोटे छोटे इंटरव्यूज दे उनको कि कैसे क्या। तो अच्छा लगा कि एक कम्युनिटी बन गई थी ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी, जो गाना सुनना चाहते थे और ऐसे ही पुराने गाने, तो रोज़ गा के मैं ऐसे डालने लगी और खूब सारा प्यार मिलने लगा। और उससे ही मुझे फिर से प्राइवेट शोज जो है मिलने लगे, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि संगीत ऐसे हो भी सकता है कि आप दर्शकों से साथ में नहीं जुड़ो लेकिन जूम पे आप कर लो ऐसे। तो जूम पे वो सेटअप्स करके, म्यूजिक के सेटअप्स करके फिर गाने लगे, और ऐसे मतलब बहुत से मौके आने लगे और बहुत लोगों से जुड़ने लगी। उसी बीच क्या हुआ कि पैंडेमिक में जब बहुत सब लोग डिप्रेस्ड हुआ करते थे, रात में मैंने एक ना रेडियो फॉर्मेट के शो ऐसे शुरू किया मैंने, जिसको लेट नाइट म्यूजिकल्स बोलती थी। पुराने गाने, बिल्कुल पुराने गाने, 50s के, सुहानी रात ढल चुकी, ऐसे गाने गाती थी और इस सब गानों के बारे में कुछ ट्रिविया अपने ऑडियंस से शेयर करती थी। जैसे मेरी जान जो गाना है वो कैसे सिर्फ विब्रोफोन के सहारे गाया गया है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे चीज़ें शेयर करती थी। और देखते देखते इसका जो है बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गया इस शो का। रात में कितने लोग ज्वाइन करते थे, पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सारे पार्टीज जैसे एक साथ जुड़ गए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये अलग पार्टी है वो अलग पार्टी, सबको एक साथ लेके वो शो होता था। हालांकि पूजा भट्ट जी, महेश भट्ट साहब, ये लोग भी इस शो में आ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। यही करते करते सब लोग मुझे बहुत एनकरेज करते कि आप संगीत को फुल टाइम क्यों नहीं ले रहे हो, आपका जो आवाज़ है ये आवाज़, सब बोलते कि बहुत नॉस्टैल्जिक गाना उनको सुनना सुनना अच्छा लगता है मेरी आवाज़ में। तो ऐसे सुन सुन के और बहुत सारे मौके भी आ रहे थे फुल टाइम शोज करने का, या किसी के ब्रांड के लिए एक एक्सक्लूसिव शो करने का, मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि साथ में अगर नौकरी हो तो आप वो कर नहीं सकते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अभी बहुत हो गया, अब अगर इतना पुश मिल रहा है, इतना प्यार, इनकरेजमेंट सब मिल रहा है हर जगह से, तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए। ये अब मैं मानती हूँ एक ब्लेसिंग है कि भगवान ने अगर आवाज़ दिया है, प्यार मिल रहा है, तो बिल्कुल इसे यूज़ करना चाहिए, इसीलिए बढ़ चुकी है इस दिशा पे।